स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो A5 2020 की बेस वेरिएंट है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज का। तो सबसे पहले तो करते हैं हम इसकी सील ब्रेक और उसके बाद में देखते हैं ओप्पो ने इस फ़ोन में नया है वो क्या किया है पुराने वाले A5 से। तो सील हो चुकी इसकी ब्रेक और वीडियो को आप देखिए आगे। ये बॉक्स हो गया हमारा ओपन और सबसे ऊपरी ऊपर मिलता है हमें ये एक सेक्शन जिसके अंदर मिलना चाहिए हमें एक एक केस और कुछ मैनुअल्स। ये इसके कुछ मैनुअल हैं और ये हमें मिल जाता है यहाँ सिम इजेक्टर टूल जो कि है काफ़ी काम की चीज़। और ये मिल जाता है एक थोड़ा सा हार्ड टाइप का सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे हम इसको, हार्ड है थोड़ा। तो ये केस है फ़ोन की सुरक्षा के लिए, इनको रखते हैं साइड में। अब मिलती है हमें हमारी मैन यूनिट, ये है मैन यूनिट और कलर है वो है वाइट। तो इसको भी एक बार हम रखते हैं थोड़ा सा साइड में। उसके नीचे जो मटेरियल है उसको हम चेक करते हैं और यहाँ मिल जाता है हमें ये एक चार्जर जिसकी आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर यानी कि 10 वोल्ट का ये चार्जर है। उसके अलावा हमें मिल जाती है ये USB 2 USB टाइप सी वाली केबल जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि टाइप सी केबल दी गई है। उसके बाद में हमें मिल जाते हैं ये एक 3.5 mm जैक वाले बेसिक से ईयरपोल टाइप के ईयरफोन्स जो कि देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं। तो इनको रखते हैं साइड में, ये सारी चीज़ें करते हैं साइड में। अब आते हैं हम हमारी मैन यूनिट पे। ये है हमारी मैन यूनिट, उतारते हैं इसका प्लास्टिक रैप और उतारते हैं पीछे से भी। और ये है फ़ोन का काफ़ी गजब का सा लुक, एकदम गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है इसके अंदर और आगे और पीछे दोनों साइड में। ऊपर की तरफ है वो हल्का सा जो बिल्कुल पतली पन्नी आती है डिस्प्ले पे वो चिपकी हुई आई है। तो आगे और पीछे फ़ोन के लिए दोनों साइड के लिए प्रोटेक्शन हमें मिलता है, कोई अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ईयरफोन साथ आते हैं तो किसी भी टाइप की एक्सेसरीज़ की है वो ज़रूरत है नहीं। अब हम अगर एक बार फ़ोन के ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले चालू होते हैं फ़ोन के लेफ़्ट साइड से और लेफ़्ट साइड में हमें मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स और उसके ऊपर जस्ट ऊपर मिल जाती है सिम ट्रे। ज़रूर हम चेक करना चाहेंगे हाइब्रिड है या नहीं है, बिल्कुल ये ट्रिपल स्लॉट मिलता है। माइक्रो एसडी कार्ड हम अलग से इसमें लगा सकते हैं, ड्यूअल वोल्ट का हमें इसमें सपोर्ट मिल जाता है और माइक्रो एसडी कार्ड है वो 256 GB तक है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और फ़ोन की अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये एक ग्रीन सा बटन दिया गया है यहाँ पे, ये है पावर लॉक अनलॉक बटन। फ़ोन के टॉप साइड की अगर हम बात करें तो वो है पूरी तरह से क्लीन। और यहाँ अगर फ्रंट में देखें तो फ्रंट में है 8 मेगापिक्सल का ये एक सेल्फी कैमरा AI ब्यूटिफिकेशन के साथ में और उसके ऊपर लगी हुई है स्पीकर ग्रिल और बाकी के सारे सेंसर्स। फ़ोन की बॉटम साइड की अगर हम बात करें तो सबसे लेफ्ट साइड में मिल जाता है हमें 3.5 mm जैक, उसके बगल में मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, सेंटर में मिल जाता है USB टाइप सी पोर्ट और राइट साइड में हमें मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। तो ये है फ़ोन का ओवरव्यू पूरा। अब बात करते हैं फ़ोन के रियर साइड की। अगर रियर साइड की बात करें तो हमें यहाँ मिल जाता है ओप्पो की ब्रांडिंग और यहाँ लिखा हुआ है डिज़ाइन फॉर ए सीरीज। ये है ओप्पो की ए सीरीज़ और लिखा हुआ है डिज़ाइंड बाई ए सीरीज़। ये हल्का सा छोटा सा एक मिलता है हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और ऊपर की तरफ ये जो वाला सिस्टम है ये मिलता है हमें क्वाड कैमरा सेटअप। मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड लेंस है 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंस है और 2 मेगापिक्सल का ये मैक्रो कैमरा है और उसके जस्ट ऊपर दिया गया हमें LED फ्लैश। तो ये है इस फ़ोन का ओवरव्यू। फ़ोन हो चुका है हमारा लगभग बूट और हम करते हैं इसके आगे की पूरी सिक्योरिटी टेस्ट वगैरह सारे, आप देखिए वीडियो को आगे। सबसे पहले जाते हैं हम फ़ोन की सेटिंग में और सेटिंग में जाके देखते हैं हमें इस फ़ोन के अबाउट फ़ोन के अंदर कि जो क्या क्या हमें इस फ़ोन के अंदर मिलता है। तो कलर OS वर्जन है वो है 6.0.1 और एंड्रॉयड वर्जन है वो है 9 Pi। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 665, रैम है 4GB की, स्टोरेज है वो है 64GB और जो अवेलेबल है वो है 45.6GB जो कि बहुत कम है, इतना नहीं होना चाहिए, 50GB प्लस होना चाहिए। ये ओप्पो में मतलब इसका जो भी सिस्टम है ये ठीक नहीं लगा मुझे, 5GB खा जाते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। उसके बाद में सिक्योरिटी लेवल है वो सितंबर का है। तो ये तो थी इसकी मेन सेटिंग्स की बात। अब करते हैं इसका एक छोटा सा सिक्योरिटी टेस्ट और सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसमें फिंगरप्रिंट है वो कैसे काम करता है। जैसे मैंने ये फिंगरप्रिंट यहाँ लगाते ही ओपन लॉक किया, लगाया लगाते ही ओपन, लेकिन यहाँ लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही क्योंकि पता नहीं चल रहा, ये भी एकदम स्लिप है
और ये ग्लास है वो भी एकदम स्लिप है। तो यहाँ थोड़ा सा लगाने में पता नहीं चलता कि फिंगर पे है वो सेंसर की टच हो रही है या साइड में टच हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं लगी मुझे। ये थोड़ा सा ये एकदम छोटा सा हल्का सा दिया है। अब बात करते हैं हम फेस अनलॉक की। अब मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ और जैसे ही मैंने देखा देखते ही ओपन हो गया। अब मैं इसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहा हूँ और देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। हल्की सी लॉक स्क्रीन आई, हल्की सी लॉक स्क्रीन इसमें आती है अगर मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ तो। फेस अनलॉक है वो थोड़ा सा स्लो है, फिंगरप्रिंट है वो फास्ट है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये इतना इजी यूजेबल नहीं है कि यहाँ डायरेक्ट फिंगर यहाँ टच होती है क्या, फिंगर साइड में इधर उधर लगती है, तो दो तीन बार ट्राई करना पड़ता है। और अब देखते हैं इसका कैमरा टेस्ट। इसमें सुपर नाइट मोड भी दिया गया, तो मैं नाइट की भी एक दो फोटो लेता हूँ और बाकी मैं इसका कैमरा का टेस्ट है वो भी करता हूँ। तो वीडियो को आप देखिए आगे। ये मैं शूट कर रहा हूँ ओप्पो A5 2020 और चारों तरफ से मैं आपको एक छोटा सा इसका लुक दिखा देता हूँ कि कैसी है इसकी वो क्वालिटी वीडियोग्राफी की, और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको हिला के चलता हूँ और देखना आप कि इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन वो कितना काम करता है कितना काम नहीं करता है। तो यही था इसका एक छोटा सा वीडियो का टेस्ट, और आगे मैं कुछ फ़ोटोज़ ले रहा हूँ कैमरे से, वो आप चेक कीजिएगा। ये शॉट लिया है मैंने नाइट मोड में जो कि है काफ़ी अच्छा, और ये जो शॉट्स हैं ये मैंने लिए हैं मैक्रो कैमरा से जो कि है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, उससे लिए हैं। नज़दीक की फ़ोटोएँ काफ़ी अच्छी आती हैं, और ये है 12 मेगापिक्सल के मेन कैमरे से ली गई फ़ोटो, क्वालिटी ठीक ठाक है। ये है पोर्ट्रेट मोड रियर कैमरा से और फ्रंट कैमरा से, सेल्फी मोड में पोर्ट्रेट जो मोड है वो ऐसे काम करता है। और ये जो फ़ोटो है ये है एक नॉर्मल सेल्फी फ़ोटो। तो यही थी इस फ़ोन की पूरी डिटेल्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।